दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जिस समय हमारे देश में दिवाली मनाई जाती है, उसी टाइम पे हमारे देश में उसी समय पे काली पूजा का भी आयोजन होता है, काली पूजा भी मनाई जाती है। काली पूजा वैसे तो बंगाल में ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाई जाती है, लेकिन हमारे देश में और भी कई ऐसी जगह हैं, और भी कई राज्य हैं जहाँ पर काली पूजा का आयोजन अच्छे तरीके से किया जाता है, जहाँ पर लोग काली माँ की प्रतिमा को स्थापित करते हैं, विधिवत पूजा करते हैं उनकी, और उसके बाद उनको विसर्जित कर दिया जाता है अगले साल पुनः आने की कामना को लेकर और अपने जिंदगी में खुशियों को लाने की कामना को लेकर। इस पूजा के दौरान भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है कई जगहों पे, यहाँ पे लोग आते हैं, घूमते हैं और अपने जरूरत के घर में काम आने लायक चीज़ें खरीदते हैं। बच्चों के लिए वहाँ पर खिलौने होते हैं, तरह तरह के झूले होते हैं, जहाँ आकर बच्चे खुश होते हैं झूला झूल के और अपने पसंद के चीज़ें खिलौने खरीद के। बड़े लोग आते हैं तो वो काली माँ के दर्शन करते हैं, उनसे अपने अच्छे जीवन की कामना करते हैं और उसके बाद फिर हंसी खुशी अपने घर को लौट जाते हैं। तो ऐसा ही मेला मैं आपको एक दिखाने वाला हूँ जो बिहार राज्य के जमुई डिस्ट्रिक्ट में सिकंदरा ब्लॉक में लछुआड़ नाम की एक जगह है, वहाँ पर लगाई जाती है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर के पी ब्लॉग्स, मैं हूँ कृष्णा प्रसाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे बहुत सारे लोग इस मेले में जुटे हुए हैं, यहाँ फल की दुकान लगी हुई है और हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा। और देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ जुटते हैं, बहुत लोगों की भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इस मेले में। लोग दूर दूर के गाँव से आते हैं यहाँ पर, क्योंकि आस पास के एरिया में बिल्कुल ये ऐसा इकलौती जगह है जहाँ पर काली पूजा के उपलक्ष्य में मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसके लिए इस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, लोग काली माँ के दर्शन करने को आते हैं। ये देखिए कितने सारे लोग जुटे हुए हैं इधर। और धीरे धीरे जैसे जैसे अब शाम होगी वैसे वैसे लोगों की संख्या और बढ़ती चली जाएगी, फिर लोग 8-9-10 बजे तक मेले में घूमेंगे और उसके बाद फिर सब अपने अपने घर को लौट जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो यहाँ आप देख सकते हैं औरतों के श्रृंगार की दुकानें लगी हुई हैं और भी बहुत सारी दुकानें आपको यहाँ दिख रही होंगी, जिनमें बच्चों के खिलौने की भी दुकानें होती है और आपके घर में उपयोग आने लायक चीज़ें होती है। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों के झूले लगे हुए हैं, लगभग सारे झूले यहाँ से आपको दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं एक से एक झूले, तारा माची और बच्चों के लायक खिलौनों की दुकानें, ये झूले बच्चों के लिए, तरह तरह के झूले जो कि यहाँ लगाए गए हैं। बच्चे जिस पर झूल के काफ़ी आनंदित होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और बड़ों के लिए क्या होता है, बड़ों के लिए होता है मेले में घूमें, और बड़ों के लिए भी कुछ झूले लगाए जाते हैं, जैसे बनाना राइड्स का आप देख रहे थे ऊपर है, और ये बच्चों के लिए फिर से एक झूला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि घर में उपयोग आने लायक छोटी मोटी वस्तुएं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको उनकी दुकानें लगी हुई दिख रही होगी, बहुत बड़ी सारी चीज़ें यहाँ नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा ये बड़े बड़े सामान नहीं मिलते, बट छोटी मोटी वस्तुएं जो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे वस्तुएँ यहाँ पर आपको मिलती है, जो कि और दिन जो कहते हैं ना कि और हर दिन पर वो चीज़ें नहीं मिलती है, तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि यहाँ पर मिलती हैं। और लोगों के खाने पीने के लिए चाट की दुकानें और मिठाइयों की दुकानें भी लगाई जाती हैं इधर। ये रात का व्यू आप देख सकते हैं, रात में मेला कितना खूबसूरत दिखता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि
कितने भव्य तरीके से मेले का आयोजन किया गया। बहुत सारे लोग यहाँ जुटते हैं, हंसी खुशी से मेला घूमते हैं और फिर काली माँ से अपने जीवन की अच्छी कामना करते हुए अपने घर को वापस लौट जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और अगर आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मिस्टर केपी ब्लॉग्स को। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।